तो आज अपन आईब्राउज बनाएंगे। तो आईब्रो एकदम टिप से चालू नहीं करते, ऊपर से उसके थोड़े आगे से करते, तो अपन को बहुत मोटे भी नहीं बनाने, बहुत लंबे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से लाए आगे की तरफ, बहुत एकदम हाइट पे नहीं लेना कि एकदम शार्प पॉइंट की तरह आ रहा है, इस तरीके से धीरे से नीचे ले आए। ठीक है, फिर यहाँ से उठाया, धीरे से कर्व आया और यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक है, देख सकते हो मैंने आगे का हिस्सा खुला छोड़ा है, खुला क्यों छोड़ा, क्योंकि अपन को स्ट्रोक जो है वो आगे की तरफ ढंग से लगाना। तो जैसा कि पता है ये स्ट्रोक स्टार्ट होते आगे से, ये जो हिस्सा ही बहुत लाइटली ड्रॉ करना, इससे भी लाइटली ड्रॉ करो, ज्यादा मैं लाइटली ड्रॉ करूंगा तो कैमरे में नहीं दिखेगा फिर। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ कर्व करना चालू करो, पहले थोड़े एका तो आगे की तरफ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसे तीन सेक्शन में डिवाइड करो, इसमें ड्रॉ मत करना। तो मैं दिमाग में रुचि की ये फ्रंट, ये मिडिल और ये बैक। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करना चालू कर दो। अपन जो है सबसे फोरमोस्ट सेक्शन आगे वाला आया, इस तरीके से धीरे धीरे, फिर अपन धीरे धीरे सेंटर वाले पोर्शन पे जाने लगे, तो थोड़े और आगे की तरफ कर्व होने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से और कर्व आते जाएंगे। मैंने ये नहीं बोला कि एकदम भरना है, ठीक है, बीच में गैप हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है, अब इसके बाद एक और लेयर आएगी। ठीक है, अभी पीछे की तरफ जाने लगे थे और बड़े बड़े होने लगे। ठीक है, नीचे की थोड़े कवर होने लगे नीचे की तरफ से। ओके, ये अपनी फर्स्ट ईयर आईब्रो के साथ हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, बस हल्का सा इस पे ब्रश चलाओ और ये अपना हो गया। ठीक है, पहले इतना बनाओ। अब अपन बेस लेयर होने के बाद अब अपन धीरे धीरे आईरेस से चालू करेंगे, फिर आई की आउटलाइन, फिर आईलेस से बाहर की स्किन, फिर आईब्रोज, ठीक है, फिर उसके आसपास का एरिया। तो स्टार्ट करो यहाँ, ये है 8B पेंसिल जो मैं लिया हूँ। तो देख सकते हो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ बाउंड्री पे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मत बनाना, इस तरीके से धीरे धीरे आराम आराम से शेड करना। 8B है, नॉर्मली भी शेड करोगे तो ये बहुत डार्क हो जाता है। इस तरीके से ऊपर वाला रीजन तो और डार्क हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते करते नीचे की तरफ आया, यहाँ पे भी इसने करा, यहाँ पे थोड़ा पतला बनाना, आई की जो आउटलाइन रहती ना अपन उसे 8B से शेड कर। ओके, ये करने के बाद अपन जो है अब इसमें ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से, छोटा मतलब 0.1 या फिर 0.2 वाला जो आता है उसकी मदद से अपन इसमें वो करेंगे। तो ये वाला ले लो सबसे पतला वाला, या फिर ये वाला ले सकते हो 2 नंबर। इसे क्या करो, ऊपर वाले हिस्से में 2 नंबर से करेंगे। इसमें मैं सर्कल था उससे थोड़े ज्यादा वाले एरिया में वो करना ब्लेंड। ठीक है, जैसे ये है तो इसकी बॉर्डर बॉर्डर में ब्लेंड करना, ताकि वो थोड़ा अंदर की तरफ जाए। नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला अपन कोई हाईलाइट ऐसे जो अपन ने व्हाइट पोर्शन है वो छोड़ा है, उसे रहने दो। ठीक है, इस तरीके से तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसे थोड़ा स्मूथ कर लो ब्रश की मदद से ऊपर ऊपर का पोर्शन। ठीक है, और ये अपना बाउंड्री आ जाएगी इस तरीके से। ओके, ये करने के बाद बहुत जरूरी चीज ये है कि अपन ने जो अभी स्ट्रोक्स ईयर्स पे सीखे, क्या कहते हैं आईब्राउज के सीखे, आईलैशेस के सीखे, इस तरीके से ये कर्व गया ऊपर। ठीक है, फिर थोड़े छोटे छोटे कर्व, फिर एक कर्व ऊपर गया, फिर तरीके से थोड़े छोटे छोटे कर्व, एक कर्व ऊपर गया, छोटे छोटे कर्व, फिर एक कर्व ऊपर गया, थोड़ा इस तरीके से। फिर ऊपर वाले हिस्से में एक आध कर्व ऐसे नीचे आ गया, तो भरना नहीं है अपन को कर्व, अपन को ये जो थोड़ी डिटेल्स रहती है ना, इस तरीके से हल्का हल्का कर्व किया आया, फिर एक हल्का हल्का कर्व किया आया, इस तरीके से थोड़ी डिटेल्स रहती है, तो आई में थोड़ा रियलिस्टिक सा लुक आ रहा है। तो ये करना है, अपन हाईलाइट अभी नहीं देंगे अपने व्हाइट जेल पेन से, एंड में देंगे, क्योंकि हो सकता है अपन ब्रश गलती से चल जाए तो यहाँ पे आ सकते, तो वो नहीं चाहेंगे अपन। तो पहले इतना करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। अब आई की जो आउटलाइन है, नीचे वाली आउटलाइन, तो अपन मैकेनिकल पेंसिल से करेंगे। ठीक है, नॉर्मली बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना कि डार्क करने के चक्कर में बहुत डार्क ऐसे नहीं,
ऊपर वाली जो आउटलाइन है वो 8B पेंसिल से करो, जो टिप पे ना, टिप पे थोड़ा लाइटली करना। जैसे जैसे अपन आईब्रो के पास, आईलैशेस के पास आती है, ये डार्क हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आई के टिप पे आएगा और ये आई के इस वाले कर्व पे आएगा, तो हल्का हल्का शेडिंग यहाँ पे होगी, थोड़ा बीच में से हाईलाइट से छोड़ देगा। ओके, अब अपन लो अपनी HB पेन। तो मैंने बताया था कि अपन को शेड करना है, तो हल्का हल्का इस ऊपर से नीचे शेड करते हुए लेके आओ, बस रुक जाओ यहाँ, थोड़ा यहाँ शेड करो इसे और थोड़ा यहाँ, इतना हिस्सा जो है ये छोड़ना है, ठीक है। फिर थोड़ा यहाँ पी राइट टू लेफ्ट ऐसे शेड करो और बस इतने छोड़ दो। ओके, इसे ब्रश से ऐसे ब्लेंड करो धीरे धीरे, थोड़ा आगे पीछे का हिस्सा ब्लेंड करो ये, और ये अपना हो गया। ये जो बीच थोड़े सराउंडिंग थे वो छोड़ दिए, बस ये ऐसे ही, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब अपन को क्या करना है, अपन को लेनी है 4B पेंसिल, ठीक है। 4B पेंसिल ली, इस तरीके से पीछे पकड़ो, ध्यान दो मैं कहाँ कहाँ शेड, इस तरीके से यहाँ से पूरा ऊपर का हिस्सा शेड करते हुए गए, यहाँ से पूरा ऊपर का हिस्सा शेड करते हुए गए। अभी आईलैशेस नहीं करी, इसके आईलैशेस पर ब्लेंड यहाँ से पूरा करते हुए गए, ठीक है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़े अपन आईब्रोज पे, ठीक है। आईब्रोज से ऐसे नीचे की तरफ कर्व होते हुए आएगा, ये जो नोज वाला हिस्सा रहता है ना, नोज यहाँ से आती है, तो यहाँ की तरफ थोड़ा सा कर्व जाएगा ऐसे अपना, ओके, बहुत ज्यादा नहीं, ये हल्का हल्का ऊपर गया। यहाँ पे अपने हाईलाइट रहते हैं ज्यादातर, जैसे धीरे धीरे ये करते करते फोर भी से ऊपर हल्का, बस इतना एक कर्व टाइप एरिया ये छूट जाएगा अपना, ठीक है। ये देख, ध्यान देना मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से चालू करो, यहाँ बहुत ध्यान देना, क्योंकि मैं ऐसे करते करते नीचे नहीं आऊंगा, मैं शेप के साथ आऊंगा, शेप क्या है इसी के जैसा है, बस थोड़ा नीचे तक आएगा। तो मैं शेड करते करते सेंटर पार्ट में थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, पीछे वाले पार्ट में थोड़ा ऐसे, जो आंखें यहाँ से थोड़ी सूखी सी रहती है ना, ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ अब एकदम से मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ, अजीब रहेगा, तो मैं HB पेंसिल से इसे हल्का हल्का शेड करते करते थोड़ा नीचे नीचे लाऊंगा, ताकि ब्लेंडिंग करते समय ये स्मूथ रहे, ठीक है। ये करते करते थोड़ा नीचे लाया, अब अपने आईब्रोज भी ड्रॉ कर लिए, तो आईब्रोज के हल्का हल्का आईब्रोज के ऊपर भी शेड कर देंगे, थोड़ा हल्का, बहुत ज्यादा नहीं करना, स्मूथली स्मूथली, ठीक है। अपन ने जो शेड किया ब्लेंड करना है अपन को, तो पहले ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये इसे थोड़ा ऐसे कर्व करना, ये थोड़ा नीचे की तरफ जो है इसे कर्व में आएगा, तो ये हिस्सा रफ नहीं छोड़ना है अपन, अच्छे तरीके से स्मूथली इसे इसे थोड़ा सर्कुलर चलाते जाओ, फिर ये वाला पोर्शन आता है, इसे ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, बहुत आराम से ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो कर्व है ये वाला हिस्सा पर का, ये थोड़ा छोड़ दे, ठीक है, ये अपन को उसे शेड करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे वाला हिस्सा आता है, नीचे वाले हिस्से में पहले जो अपन ने एरिया बनाया उसे ब्लेंड करा, फिर उसे नीचे ऐसे कर्व करते करते बाकी एरिया में आ गए अपन ऐसे, ठीक है। तो ये एरिया थोड़ा स्मूथ शेड करना, थोड़ा स्मूथ ब्लेंड करना, इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर आ जाती है, ठीक है। तो अगली लेयर करने में तो और टाइम लगेगा, दिखती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, आईब्रोज आईलैशेस फाइन, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।